My red dirts look so dirty in this time. So I'm going to pour some fresh red dirt powder on the shapes. क्योंकि आजकल रेड क्वीन की बहुत ही जालिम इंग्लिश निकल रही है गाइस. असल में बांदरियां तो फिर भी नहीं पतोई पैना है क्योंकि जिन्हिया तो जिन्हिया को मनहूस लगदियाँ पे ना शेपा इन्हों मेकअप करके भी इन्होंने बूथे नहीं सवड़ने आई गैस. बट मैंने जैसे थोड़ी क्लीनिंग की है और वहाँ मैंने क्ले पॉट वॉश की है. मैंने कहा चले भैया आज आपके लिए मैं जबरदस्ती रेड डेड की क्ले पॉट में क्रमलिंग करती हूँ. ठीक है आई लव यू. आई एम सो सॉरी. मैंने अपने बच्चों के ऊपर पाँव रख दिया था. मेरी नन्नी मुन्नी काकी कोई बगैर सोए हुए नींद पूरे किए बगैर इतना फ्रेश हो सकता है. यस आई एम वन ऑफ देम. चले कमलिंग करते हैं भाई. यार डेड डेड बहुत ज़्यादा उड़ती है. मुझे इसका कलर चेक करने दें क्या एग्जैक्ट कलर आ रहा है. चले टिप्पी तो उठा ही नहीं जा रही. मैं कैसे क्रमलिंग करूँ इनकी. मुझे नहीं लगता कि मैं इनकी क्रमलिंग कर सकती हूँ क्योंकि मैं इनको उठा रही हूँ ये टूटी जा रही है. डोंट थिंक सो आई क्रम्बल दिस शेप्स. ये तो टूटी जा रही है. ये देखिए जरा कितनी मज़ेदार है लेकिन खाने के काबिल नहीं है. पता कि इसलिए टूट गई है क्योंकि उनको कई बार शीटों में कवर किया है मेरे हाथ से उनकी प्रेस करने से लेकर टूटी भी हुई है और ख़राब भी हुई है. आप सबको वेट था रेड डॉट का बट अनफॉर्चुनेटली ये बादियाँ जो है ना कुछ पर मैं कुछ शेप्स उठाने के काबिल है. अगर उनकी वीडियो बनाने की ट्राई करती हूँ मैं भी डिसअपॉइंटेड नहीं करना अपने सब्सक्राइबर्स को जिनको रेड डॉट का वेट है. ओके थोड़ी सी कोशिश करती हूँ मैं. मैंने वीडियो बना लिया. वीडियो के बाद में खिलाया चेक करें आप. अस्तफिल्ला बहुत डस्ट रही मैंने. मामा या मेरी बहन है ऊपर ना दूसरी वाली उन्होंने कहा था इसको देखे मामा. सफाई करती हूँ मैं वीडियो के बाद जो जाए अभी यहाँ से जाए जाए प्लीज. पानी डाल के इनकी शेपें बनाती हूँ. ओके ये मोबाइल नजर ही नहीं. डस्ट इतनी पड़ी है मोबाइल पे कुछ नजर ही नहीं मिलेगा. जूता चेक करें मेरा. ओएमजी बस मैंने आपके लिए रेड डॉट की छोटी सी वीडियो बनाई है. आई होप यू विल एंजॉय. मैं कहती हूँ इतने टाइम बाद रेड डॉट की वीडियो है और मज़ा नहीं ना आपको आए देखने में. फिर आपकी जो एक उसको सेव करने की मेहनत है ना उसको बनाने की जो एक पीछे एफर्ट है वो बेकार हो जाती है. तो इतनी देर से आप सब रेड डॉट को वेट कर रहे हो और वो वीडियो आपको मिले बेकार सी तो जो एक आपकी एक्साइटमेंट होती है ना वो बेकार बस ख़राब हो जाती ख़त्म हो जाती है. चल इसको हम क्लीन कर लें एक मिनट.
रखा था कि मैंने ना पहले क्लीनिंग की थी घर से, अब ये रह गई है यहाँ से, यार ये प्रॉब्लम का मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे फ्लिकरिंग का, ये जो हमारी स्क्रीन जो होती है उसका कैमरा जो फ्लिकरिंग करता है कलर ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने इसके लिए सर्च किया था। मैंने 2-3 बार वीडियो देखी कि क्या किस तरह से इसको ठीक करते हैं, बट वो जो उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी वो ऑप्शन मेरे में नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर चाहकर भी उस चीज़ को मैं ठीक नहीं कर पाई है। तो ये देखिए अभी भी लाइट कुछ हो रही है, कभी कुछ हो रही है, जबकि एक्चुअल में बहुत मज़े का कलर है, कैमरे में एकदम ब्राउन हो जाता है, कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी गुस्सा कलर हो जाता है, कभी बोंगा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट एक्चुअल में ये बहुत प्यारा कलर है। मेरे बाकी टेक्सचर की भी शक्लें जो है ना इस टेक्सचर ने ना लालियाँ ला देनी है बुथियाँ ते ना भी, आई डोंट वॉन्ट टू डू चेंज माई टेक्सचर्स कलर आजकल, आई डोंट वॉन्ट टू बहुत निकल रहा है मेरे मुँह से। चले भाई इसको भी नीचे उतारते हैं, बाजी चले उतरे शरीर तशरीफ जाए अपनी जगह पे जाके पधारिए। चले इस मैस को क्लियर करते हैं अपने ये क्यूट से, क्यूट तो नहीं रहा इस स्पैचुला इस कंटेनर, आई डोंट नो इनू की कहने इंग्लिश में, तुम दसो इनू की कहने की कहते ने। यार कितने औखे काम है, ओह माय गॉड ये क्या हुआ, अम्मी जी एक ही हो गया वा, यार ये तो टूट गया मेरा दिल भी टूट गया साथ में, माय हार्ट इज ब्रोकन, लेट मी शो यू दिस, वेट को बताती हूँ क्या हुआ, माई हार्ट गोज ऑन, यहाँ पे तो टाइटैनिक का मुझे लव लाइन याद आ गई, ये देखें ये ठीक है और ये मेरा दिल टूट गया गाइस, इतना अच्छा तो था मनुष्य तो टूटा क्यों है, क्या हो गया यार मेरा दिल टूट गया। चले मैं इसका अफसोस बना लूं, इसको उठा के यार ये टूट गया, चले मैं इसको उठा लूं इतना फिर मिलती हूँ आपसे। फिर मैंने तो सारा टेक्सचर उठा लिया, बस ये लास्ट वाला रह गया, इसे आपको दिखाती हूँ, ये फटा भी ख़त्म होने वाला हो गया, मैं दूसरी बार तो मैं एक नया वाला मंगाऊँ मामा से कहा था, पता नहीं आदमी मामा कहते हैं अभी बैठा नहीं होता बोर्ड वाला, कहता तो मुझे एक बोर्ड ला दे,
यानी मछली बन गई थी। क्या मैंने सस्ते जुगाड़ किए हुए। हाय अल्लाह जी, आई एम सो मच टायर्ड। मैं इसको उठा के रख दूँ, फिर शेपी बनाते हैं। ये देखो मैं ना जो बाल्टियों में पानी स्टोर कर देती हूँ ना, वो यूज़ कर रही हूँ। ये वक्त बुरे वक्त में चीज़ काम आ जाती है, जब हम पानी की किल्लत होती है, क्योंकि मोड़ता ही रहे वोल्टेज खराब हुए हैं, तो उस वजह से मोटर भी नहीं चल रही है। 150 या पता नहीं कुछ इस तरह से आ रहे हैं वोल्टेज। तो फिर मैं पानी जो थोड़ा बहुत है मैं कहती हूँ वो घर के काम आ जाए, मैं जो इसी से गुजारा कर लेती हूँ। पहले मैंने वो जो रेड क्वीन डर्ट है उसके ऊपर से पानी थोड़ा बहुत उतारा, मैंने कहा कि वो, लेकिन उस पर डर्ट जो थी ना वो सेट नहीं हुई थी तो मिक्स हो रहा था। तो फिर मैंने कहा ये बाल्टी वाला ले लेती हूँ। क्ले पॉट भी वॉश करना है, तो ये वाला जो पानी है जो मैंने टेक्सचर में डालना है तो क्यों ना मैं इसी में वॉश कर लूँ। इतने तो मैं हो से यानी माशाल्लाह। हम वाई वी यूज अनदर वाटर फॉर क्लीन दिस पॉट। वी शुड वॉश दिस इन दिस वाटर। आई एम सॉरी इफ यू नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड माई पुअर इंग्लिश। देखिए रेड क्वीन कितनी समझदार है भाई। खैर आप लोग इसी तरह के जुगाड़ करा करें। जब आप क्ले पॉट में वीडियो बनाते हो ना, ड्राई क्रबलिंग करते हो, जब डर्ट की कर लो फॉर एग्जांपल, किसी भी टेक्सचर की कर लो, तो जो आपने पानी जिस टेक्सचर में डालना होता है ना उसी टेक्सचर का पानी जो होता है ना उसके अंदर क्ले पॉट रखो टब में, ना कि आप इसको खुले में धोएं, क्योंकि हमारा टेक्सचर लगा होता है उस पर, हम क्यों इतना वेस्ट करें। तो आप ना उसी टब में, जैसे मैंने टब में रखा है इसलिए रख के आप इसको वॉश करें, इसका सारा लिक्विड जो भी डस्ट है पानी में चली जाएगी, आपका क्ले पॉट भी वॉश हो जाएगा और आपकी टेक्सचर की जो भी है डर्ट या कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। सो बहुत अच्छा तरीका है अपने टेक्सचर को भी सेव करने का और क्ले पॉट भी वॉश करने का। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये एडवाइस। तो चलिए मैंने वॉश कर लिया, अब मैं इसको रख देती हूँ। चेक करें क्ले पॉट कितना क्लीन हो गया है, और वो देखें हमारा टेक्सचर का पानी भी रेडी हो गया जिसको हमने इसमें पोर करना है, ठीक हो गया। चले हम ना खट्टा खोल देते हैं इसके अंदर, और हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। यार मैं इतना लंबा व्लॉग बनाऊंगी कि एक में आपको ये सब देखने को मिल जाए, दूसरे में आपको क्रबलिंग दिखने को मिल जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने दोनों सब्सक्राइबर्स हैं उनको लेकर साथ साथ चलूँ। जिनको क्रबलिंग पसंद है वो क्रबलिंग देख लें, जिनको नहीं पसंद है रूटीन पसंद है शेप्स मेकिंग पसंद है वो इनको देख लें, इस व्लॉग को देख लें, ठीक है। हालांकि मेरे लिए ईजी नहीं है इतना काम करना, सुबह मैं इतना काम करती हूँ ना तो फिर मेरे जीजू बनाना शुरू हो जाते काम गाइज, और जब जीजू बनाने स्टार्ट होते तो फिर मेरा बीपी भी लो हो जाता है, क्योंकि पता है आपको मेरा हीमोग्लोबिन जो है ना बहुत ही थोड़ा है। चले हम इसे पानी सूटते हैं। लेट्स पोर वाटर इन दिस खड्डा, यार बार ना हो जाए। ओह माय गॉड, वाओ गाइस, मेरा मोबाइल जो ना धूप में सड़ के सवा हो रहा है, सवा हो रहा है।
उसी साइड से लगो। इसमें हम थोड़ा शॉल वॉटल ऐड कर लेंगे। मैं अपने कद्दू के साथ ऐसे बात करती हूँ ना, तो मुझे वैसे बहुत इस तरह बात करने की ना आदत पड़ गई है, बच्चों की तरह बोलो। मैंने सुबह सुबह बहुत कटा खा लिया गाइस, और टेट में मेरे पीड़ होने स्टार्ट हो गई है डस्ट की वजह से, अजीब सी दर्द की वजह से स्टार्ट हो गई। इन्ना हैवी काम करती पई है सुबह सुबह में, सुबह केड़ा 6 बजे ने हले, कैन यू बिलीव दैट, अभी 6 बजे और धूप देखे। सारा पानी इसके अंदर जो था निकाला वो डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं। ये ना धूप से मोबाइल बंद हो गया, कोई गारंटी नहीं है। चलिए मैं इसको प्रॉपर मिक्स करके ना आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रेड रेड को इकट्ठा करके रख दिया, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत ड्राई मुझे लगा भी है, बस तो थोड़ा सा यूँ पानी छिड़क रही हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत ड्राइनेस इसकी होगी भी वो ड्राई हो जाए और वेट हो जाए। और मैंने मिनी चंक रखा था आपके लिए डैम करने के लिए लिटल सी। चले और ये अब हम इसकी शेप कौन सी बनाते हैं वो मुझे डिसाइड करनी है। मैं सोच रही ये शेप बनाऊँ, पर ये शेप ना बहुत टाइम लेती है। ये देखिए गोला शेप, जब भी पानी कम लग रहा है। चले चले हम ये शेप बनाते हैं और इधर निकालते हैं, क्योंकि ये छोटी सी शेप है, निकल भी आएगी फोन से और कैमरे में भी नजर आ जाएगी। मैं फिल करके ना आपको निकालते हुए दिखाती हूँ, बस एक शेप फिल करते हुए आपको दिखा देती हूँ। ये क्या धागा आ गया, इस टाइम मेरा दिल चल रहा है मैं स्ट्रक्चर पे गिर जाऊँ, इतनी बता के गई हूँ। चलिए इसको उधर निकालते बाजी को, ठीक है। मुंडी को इधर घुमाए और नहीं लगा रहे, मैं 2-3 दिखाऊंगी बस, क्योंकि धूप मुझे साड़ रही है गाइस। वाओ, ये उठाई चाहेंगी? आई डोंट नो। ये
यार ये गिर ना जाए। वेट यार, मुझे इतनी शेप, इस तरह की शेप का गोला खाना है, मुझे नहीं पता। देखा पानी में बुरा लग गया। मैं कह रही थी मुझे इस तरह के ना शेप में गोला खाना है। आपको तकलीफ क्या उठ रही है मुझे ज़रा बताइए, खुल के बताइए ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट करूँ। नीचे से आप इतनी सुंदर हैं, ऊपर ने आपकी अलग ही कुछ खूबसूरती छा रही है। और मैंने भाई को कहा था कि मुझे गोला मेकर मशीन ला कर दो, मैंने ऐसे मेरी ही जुल्फे चले गई थी और मैंने वही मिट्टी वाला हाथ अपने मुंह में मार लिया और मेरे मुंह में नेचर गालों में लाली लग गई है और मेरे मुंह पे खारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि डस्ट तो डस्ट ही होती है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने कहा था मुझे ना ला के दो, तो फिर मैंने इस तरह का गोला बना के खाऊंगी। ऑल राइट, चले भाई ये लाइन दो और बनाते हैं, फिर इसको हम एंड करते हैं व्लॉग को। और जो सब्सक्राइबर्स में जब कोई पुरानी 5 महीने वाली पुरानी या 4 महीने पुरानी वीडियो डालूँ ना, तो सब्सक्राइबर आके कहते हैं दिस इज़ ओल्ड, तो यकीन करें मुझे उनकी ये लफ्ज़ सुन के इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं कि हर वीडियो मेरी उन्होंने देखी हुई है, पुरानी से पुरानी वीडियो डालूँ तो एक रामीनता ही उनको तो फ़ौरन से पता चला दिस इज़ ओल्ड। यकीन करें मुझे इतनी हैरानगी होती है कि मैं 4-5 पुरानी महीने की वीडियो डाल दूँ, वो कहते हैं ओल्ड। एक मेरी और सब्सक्राइबर है आती, उनको पता चल जाता है ओल्ड। जानी ये ओल्ड वीडियो है ना, पर बहुत सेटिस्फाइंग है। मैं कहती हूँ भाई ये होते हैं ट्रू सब्सक्राइबर्स, कि उनको साल पुरानी भी वीडियो डालूँगी तो कहेंगे ये आई थिंक ओल्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता सुन के कि इतने मेरे सब्सक्राइबर्स वीडियो वॉच करते हैं गौर से, कि उनको पता चल जाता है कि ये पुरानी वीडियो है। ये नीचे ना गिर जाए। तो चलिए भाई ये साड़ी मैं शेप्स बना लूँ, उसके बाद जब बना लूँगी फिर मैं आपको लास्ट पे दिखा दूँगी ये साड़ी। अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे ना इस बात का गाना याद आ गया जिसमें मैं आप सबके प्यार, इस काम को करके जो मुझे आप सबको प्यार, आप सबका प्यार मिला है, उस बात में मैं ये गाना आपको सुनाना चाहूँगी। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी, बन गए हो तुम जिंदगी, बन गए हो तुम। यार पता नहीं सुबह सुबह आवाज ही निकल गई, तो मैं ये सारी शेप्स में अभी मिलती हूँ आपसे। 6:55 हो गए, मैंने कहा 2 शेपें लास्ट वाली मैं आपको बनाते ही दिखा के व्लॉग एंड करती हूँ, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी क्लीनिंग करनी है इधर से, यार लिटरली ये मेरी जो ये चीज़ है ना पेन करने लग गई है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी शेप्स बनाई है। छोटी शेपें प्यारी तो बड़ी लगती हैं, हाय अल्लाह जी, बट टाइम बहुत लेती है बनाने में। मेरा तो उन्होंने हुसन खराब कर दिया धूप ने। यकीन करें ज़रा सा रंग मेरे चेहरे का सही होता है, मैं तो पावे च बह के फिर बांदरी बन जानी हूँ। OMG हुसन, तुम हुस्न परी तुम जादूगरी, क्या कहते हैं तुम जानी जहाँ, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवां,
सुंदर या साबुन नरमा, सॉरी सुंदर या साबुन नरमा, गाइस नजर आ भी रहा है खे के नहीं आ रहा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं गिर गई, ओह ओहो क्या बदतमीजी है, लाइट भी चले गई है, ये रह गई है शेप, एक इसको निकाल ले, मेरी तो बैटरी भी रह गई है, सच में भूख लग गई है मुझे, मैंने रात को आधी रोटी खाई थी बस, नजर भी आ रहा है कि नहीं, मेरी लत नहीं, मैं किधर से जाऊं, तो नहीं आप बताइए आपको ये गोला शेप कैसी लगी है, मैं इसको गोला शेप कहूँगी, मैंने गोला खाना ये वाला इस तरह की शेप का, मैनू नहीं पता, भाई कह रहा था गोला मेकर मशीन ला के दूंगा, आइस शेवर वट एवर आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मशीन, आई थिंक गोला मेकर आइस शेवर वट एवर यू कैन कॉल, ये लास्ट शेप है, बिस्मिल्ला, दिस इज फाइनल लुक, मैं आपको पूरा ना एक दफ़ा क्लीन करके दिखाती हूँ, यार ये डस्ट क्लीन करते हैं, ये मैं उतार, ये रेडिट में मैंने रेडिट में ये टेक्सचर नहीं मिलाऊंगी मैं, यार उन्होंने आवाज झाड़ू मारी जा रही है, नजर आ रहा है आपको, शेप टूट गई है, कोई बात नहीं, चलो मेरे से इकट्ठा कर लूँ सारा गंद, मैं आपको एक दफ़ा वर्कप्लेस शेप से खा के बंद करती ब्लॉग, अच्छा जी मैं थक के टूट भज गई हूँ, हाथ पाँव वगैरह मैंने धो लिए, यह शहद की मक्खी मेरे पीछे पड़ गई थी और यहाँ से मैंने क्लीनिंग की है, यहाँ पर रेड गिर गई थी, ये शेप्स मैं दोपहर को आकर ढाके रखूँगी, और भाई ये है फाइनल लुक रेड डर्ट की, जो मैंने माशाल्लाह ग्लासेस बनाए हैं, गिने कितने बनाए हैं मैं ज़रा एक दफ़ा रोकती हूँ और आप बताइए ये मैंने कितने बनाए हैं, और मैंने यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से क्लीनिंग की है, यहाँ पानी गिरा के सारी जगह धोई है, क्ले पॉट दोबारा धोया है, यहाँ से सारी क्लीनिंग की है, आपको लग रहा है यहाँ पर रेड डर्ट की वीडियो बनी थी, पूरी क्लीन करने के बाद जगह सारी नीट की है यहाँ से, अब मैं नीचे जा रही हूँ, ये वाला व्लॉग अभी एडिट करके अपलोड कर दूँगी, पता नहीं कितने मिनट का बन गया है, और क्रबलिंग व्लॉग मैं बाद में आके बना लूँगी, क्योंकि धूप देखे कितनी ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं नहीं चाहती है कि मैं इतने डिग जाऊँ, तो मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह ताला
नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं दोपहर को बनाऊँगी और एक वीडियो भी आके बना लूँगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और आपने मुझे लाजमी बताना है कि मैंने कितने ग्लास बनाए हैं, वो भी धूप में बैठ के। तो आप लोग देखें मेरी डेडिकेशन मेरे काम के लिए, और मुल्तानी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। बाकी काम बाहर आकर दोपहर को आके करेंगे इंशाल्लाह ताला। वाइट डट की क्रमलिंग करूँगी मेरे ख्याल से, और बाकी टेक्सचर जो है उनकी क्रमलिंग करूँगी, तो वो भी रेड ग्रिटी डट जो है ना शिफ्ट करनी है मुझे, ये वाली वो तो कर ली थी, और इसको मैं क्रश करके अपने ग्रिटी डट में मिला दूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।